अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज एक बार फिर आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का केचप। टमाटर आए हुए, टमाटरों की भरमार आई हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका हम अच्छे से कंज्यूम करें। बाज़ अवकात ये होता है कि टमाटर का रेट इतना हाई हो जाता है कि हमारी एक्सेस ही नहीं होती, लेकिन जब इसका रेट कम हो तो हमें चाहिए बजट में रहते हुए एक इसकी अच्छी सी सॉस तैयार कर लें। इसको हम फ्रीज भी कर सकते हैं, केचप भी बना सकते हैं, प्यूरी बना के रख लें, जब दिल चाहे इस्तेमाल कर लें। तो आज हम बनाने वाले हैं झटपट मज़ेदार किस्म का केचप, जो कि सब चीज़ों के साथ खाया जाता है। रमज़ान भी आने वाले हैं, लेकर आइए टमाटर और बनाइए। तो बनाने वाले हैं केचप, तो चलें स्टार्ट करते हैं। केचप बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर मैंने टमाटर लिए हैं, तकरीबन लिए हैं वज़न के हिसाब से 2 किलो लिए हैं। टमाटर का इस बात का ध्यान रखना है कि खूब अच्छे लाल होने चाहिए, उससे ये केचप बहुत खूबसूरत कलर का बनता है। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था, तो वज़न से बनते हैं 2 kg। इसके अलावा इसके अंदर मैंने लहसुन लिया है, तकरीबन 5 जवे लहसुन के लिए। एक मैंने प्याज ली थी, उसको रफली कट कर लिया है, और 1 teaspoon नमक जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर चीनी जाएगी 1 cup भर के लिए है। इसके अंदर जाएगा सिरका, सिरका लिया है मैंने तकरीबन 1/4 cup के करीब ना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। टमाटर मैंने ले लिए थे, इनको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था, कोई मिट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए वरना किरकल आ जाती है इसके अंदर, केचप के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसकी सिंपली कटिंग करेंगे, इसका टॉप रिमूव करेंगे। सिंपली हमने क्या करना है, इसका टॉप रिमूव करना है और इसको रफली कट करना है। कोई ऐसा नहीं है कि हमने इसको कोई बहुत बारीक कट करना है, क्योंकि हमने इसको जस्ट बॉयल ही करना है, तो हम इसको रफली इस तरह से मोटा मोटा कट कर लेंगे सारे टोमेटोज़ को। टमाटरों की मैंने कटिंग कर दी थी, देखिए मैंने इसको रफली कट कर लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक पॉट में डाल के इसको जस्ट बॉयल करेंगे। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने टमाटर कट करके रखे थे वो सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे। कोई पानी वानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि टमाटर आपको जैसे कि पता ही है कि बहुत ज़्यादा पानी छोड़ते हैं, तो बस ये अपने पानी में ही कुक होंगे। तो सारे टमाटर मैं इसमें डाल दूँगी। टमाटर मैंने डाल दिए थे, इसका जो पानी है जो कटिंग के दौरान रिलीज़ हुआ था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। बस मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर लिड लगा दूँगी और दरमियान में चेक भी करूँगी। अभी फ्लेम थोड़ा कम रखूँगी, मीडियम टू लो रखूँगी, वरना ये होता है टमाटर नीचे लग जाते हैं। जब इसमें से पानी निकलना शुरू होगा फिर हम मीडियम टू हाई करेंगे फ्लेम, लेकिन अभी हम इसका फ्लेम कम रखेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए, देखें इस तरह से टमाटरों ने देखें पानी छोड़ दिया है, इसीलिए हमने इसके अंदर बिल्कुल भी देखें पानी ऐड नहीं किया था, ये अपने ही पानी में कुक होते हैं। बस इस पॉइंट में मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने लहसुन आपको दिखाए थे लहसुन के जवे डाल दूँगी इसके अंदर, और ये जो रफली मैंने प्याज कट करके रखी थी वो डालेंगे। नमक अभी नहीं डालेंगे, नमक हम बाद में डालेंगे। अब मैं क्या करूँगी, लिड फिर लगा दूँगी और मीडियम टू हाई इसका फ्लेम रखूँगी, और इतनी देर कुक करूँगी कि हमारे टमाटर बहुत अच्छे से कुक हो जाएँ, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँ। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं टमाटरों को पकते हुए, मैंने दरमियान में चेक भी किया था, एक बार चमचा भी चलाया था, मेक श्योर कर लिया था कि ये ना नीचे की तरफ लगने लगे। वैसे तो नहीं लगता है क्योंकि टमाटरों ने खुद ही पानी छोड़ा है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सॉफ्ट हो गए, परफेक्ट हो गए। अब मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम ऑफ करूँगी और इसको बिल्कुल ठंडा करके जस्ट ग्राइंड करूँगी। इसको हमने पहले ठंडा करना है और फिर इसको ग्राइंड करना है। मैंने एक जाली की छन्नी ले ली है, आप देखें कितनी बारीक एक छन्नी ली है। इसके नीचे मैंने एक बोल रख दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टमाटरों को जो हमने उबाला था उसका हमने पेस्ट बनाना है, देखें इस तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर इसको हम छानेंगे ताकि इसका जो छिलका है और बीज जो हैं वो सारे ऊपर रह जाए और एक फाइन सी प्यूरी जो है हमारी नीचे की तरफ आ जाए। तो जस्ट मैंने क्या करना है, इसको स्पैचुला की मदद से इस तरीके से चलाते रहना है और इसमें से प्यूरी निकल जाएगी नीचे और बीज ऊपर रह जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मेहनत का काम है। टोमेटो की प्यूरी देखिए मैंने छान ली है, इसके ऊपर देखिए इस तरह से बीज और ये एक्सेस जो छिलके थे इसके ऊपर आ गए हैं, लेकिन इसको हमने डिस्कार्ड नहीं करना है। मैं क्या करूँगी, इसको रख लूँगी, जब भी कोई कुकिंग करूँगी उसमें मैं ऐड कर सकती हूँ, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छा अब मैं आपको दिखा देती हूँ नीचे का टेक्स्चर, देखें ये आया अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा छन्नी से इस तरह से हम रिमूव करेंगे, जो नीचे की तरफ लगा है वो भी निकाल लेंगे, ज़ाया किसी भी चीज़ को नहीं करना है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट सी ये प्यूरी निकल कर आ गई, एकदम फाइन, ये बिल्कुल रेडी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। चूल्हे पे मैंने दोबारा से पैन रख दिया था, इसको मैंने क्लीन कर लिया था अच्छे से। अच्छा अब जो हमने टोमेटो की एक फाइन सी प्यूरी छान के रखी थी ये हम दोबारा ऐड करेंगे, हमें इसकी कुकिंग करनी है एक दफ़ा और। बस मैं सारा डाल दूँगी इसके अंदर,
प्यूरी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। देखें माशाल्लाह कितना फाइन सा एक टेक्सचर आ गया। अब इस पॉइंट में इसमें जाने वाला है नमक, जो कि मैंने आपको बताया था नमक चला जाएगा, चीनी चली जाएगी, साथ ही इसके अंदर चीनी डाल के इसको पकाएंगे क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है, और साथ ही चला जाएगा सिरका। सिरका क्या करेगा, इसको प्रिजर्व करेगा और चीनी भी प्रिजर्व करती है, थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग चलती है। तो भाई सब चीज़ें हमने डाल दी हैं, डालने के बाद हम इसकी कुकिंग करेंगे इतनी देर के लिए कि इसके अंदर एक थिकनेस आ जाए और जो चीनी है वो अच्छे से पक जाए, क्योंकि पानी छोड़ती है चीनी भी। तो इतनी देर कुकिंग करनी है कि सब चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं। सब चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको 10 मिनट तक कुक कर लिया था। अभी मैं इसका फ्लेम ऑफ़ करूँगी, देख सकते हैं आप ये उछल रहा है, तो ये थोड़ा सेफ नहीं रहता। पहले हम इसका फ्लेम ऑफ़ करेंगे, फिर हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे कि परफेक्ट है कि नहीं है। लिड मैं हटाऊँगी, फिर देखिए देखिए माशाल्लाह परफेक्ट सा लग रहा है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह देखने से देखें कंसिस्टेंसी इसकी गाढ़ी हो गई है काफ़ी हद तक। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा होता है। अच्छा, इसको देखने का चेक करने का तरीका क्या है कि हम मेक श्योर करें कि ये परफेक्ट बन गया है, पानी तो नहीं छूट रहा है। तो मैं क्या करूँगी, मैंने एक प्लेट ली है, प्लेट में थोड़ा सा केचप डालूँगी इस तरीके से, और थोड़ा सा इसको इस तरीके से स्लैंड करूँगी। अगर इसमें से पानी अलग हो रहा है तो इसका मतलब है कि केचप ठीक नहीं है। लेकिन देखें ये परफेक्ट बना है, इस तरीके से अलग कर रही हूँ तो देखें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि इस तरीके से एक लाइन पड़ जाए। तो परफेक्ट सा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है। बस हम इसको ठंडा करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। केचप रेडी हो गया था, मैंने एक बॉटल ले ली है। देखें कोई भी आप बॉटल ले सकते हैं, घर में जो भी यूज़ करते हैं उसको अच्छे से वॉश करके ड्राई करें, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग इसको प्रिजर्व करना है। मेरे पास फ़नल नहीं थी तो मैंने क्या करा, सिल्वर फॉइल की एक फ़नल बना ली है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मार्केट से ख़रीदी जाए, घर में भी हम कर लेते हैं इस तरह की काम। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें जो केचप हमने रेडी करके रखा है ज़बरदस्त सा होममेड, इसमें हम डालेंगे। तो हम किसी भी बॉटल में इसमें प्रिजर्व कर लेंगे, तो आप इसको तकरीबन 20 से 25 दिन आराम से यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं किसी भी स्नैक के साथ। तो भाई सारा केचप इसके अंदर जा रहा है। टोमेटो केचप अल्हम्दुलिल्लाह हमने परफेक्ट सा रेडी कर लिया था। आपने देखा मैंने एक बॉटल में भी इसको निकाल लिया है, और आप लोग को दिखाने के लिए एक बोल में भी सर्व कर लिया। इसको भी मैं एक बॉटल में भर के फ्रिज में रख लूँगी। लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं पड़ना चाहिए, कोई झूठा चमचा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये 20 से 25 दिन आपका बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन आपने इसको फ्रिज में रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट सा रेडी हो गया हमारा केचप। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार किस्म का हमारा केचप परफेक्ट सा रेडी हो गया। आपने देखा मैंने कितना ज़बरदस्त रेडी किया है, कितना झटपट तैयार किया है। रमज़ान आने वाले हैं, पहले से ही बना के रख लें फ्रिज के अंदर। इसको आप 20 से 25 दिन बना के खा सकते हैं, लेकिन थोड़ी एहतियात होती है इसमें, गीला चमचा बिल्कुल नहीं डालना है। तो इंशाल्लाह लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। पकौड़ों के साथ खाएँ, समोसा के साथ खाएँ, बहुत ही मज़ेदार लगता है। बाज़ार से लेके खाते हैं लेकिन उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, लेकिन हमने बहुत ही नेचुरल बनाया है, कोई प्रिजर्वेटिव यूज नहीं किया है, सिर्फ सिरका डाला है जो उसको सेव करेगा, और बहुत मज़ेदार बना है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, रमज़ान से पहले बना के रख लीजिए और इसको रमज़ान में इंजॉय कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका केचप कैसा बना है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।